स्वागत है आपका रैंडम सुपरस्टार्स की एक और गेम प्ले वीडियो में। यार एक ही सुपरस्टार से तुम लोगों को पता ही है, वो भी तुम लोगों के फेवरेट रोमन रेज और ओमनी मैन। अब क्योंकि तीनों सुपरस्टार मैं रैंडम ले रहा हूँ पिछली फाइट में, तो मैंने सोचा एक सुपरस्टार जो है अपनी तरफ से ले लेते हैं, वो भी रोमन रेज और ओमनी मैन। इतनी तगड़ी फाइट होने वाली है ना, हाँ यार अनबिलीवेबल है। इन दोनों की जो राइवलरी है ना वो खत्म नहीं होने का नाम ले रही है। तो दो दो सुपरस्टार दोनों की टीम्स के लिए रैंडम लेने वाले। सबसे पहले रोमन की टीम में देखते हैं। एक दो एजे स्टाइल्स भाई बढ़िया मिला है। दूसरा एक दो दामिर बुरा नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, बुरा नहीं है। ओमनी मैन को देख लेते हैं, बस ज्यादा अच्छा ना मिल जाए। एक अरे गलती हो गई, आई एम सॉरी। इसको ना फिर से करते हैं। हाँ एक दो बैड बनी ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। एक दो वेड बैरेट, तो ओमनी मैन को इतनी ज़्यादा अच्छी टीम तो नहीं मिली है आज, लेकिन ओमनी मैन अपने आप में इतना सफिशिएंट है ना कि वो पूरी टीम को अकेले पी सकता है। तो फटाफट से गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं, तुम तो लोग बस नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा उसे दबा देना, सब्सक्राइब आ रहा होगा सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का होता है शायद तुम लोग भूल गए होगे दबाना, तो आज दवाई देना भाई। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब इतने अच्छे व्यूज आने के बाद सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, सब्सक्राइब करो यार अभी करो। कि ओमनी मैन और रोमन आमने सामने, और रोमन की स्पीयर हमेशा की तरह फिर से आई है। ऑब्वियसली यार रोमन का यह हक है भाई कि वो पहली स्पीयर लगाए। ओमनी मैन जब तक है तब तक तो मैच से तो देखो ओमनी मैन की टीम के हाथ में ही है। ओमनी मैन के जाने के बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि वेट बैरेट और बैड बनी का मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि क्या होने वाला। और स्पीयर रह गई ओमनी मैन की, रोमन स्पीयर लग सकती थी क्या? नहीं, अरे थोड़ा सा पोजीशन में फर्क था, नहीं तो रोमन स्पीयर लगा देता। एक और स्पीयर आई, बचा लिए ओमनी मैन ने भाई। ये बहुत बड़ा धक्का है रोमन का फिनिशर खराब होना। अब तो ओमनी मैन है भाई, दो दो फिनिशर है ओमनी मैन के पास। अभी बॉडी येलो हो चुकी है ओमनी मैन की। देखा जाए टीम दोनों बैलेंस हैं, क्योंकि ओमनी मैन खुद में इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एजे साइज द मिस दोनों को पी सकता है। बाकी बचता रोमन। बैट बनी और वेट बैरेट इतने भी बुरे नहीं है, दोनों का ओवरऑल आई थिंक 80 से ऊपर ही है। बाकी ओमनी मैन अगर सिक्का चल जाता ओमनी मैन का तो खत्म है कहानी। पहला फिनिशर ओमनी मैन लगा लेता क्या? ये फिनिशर है क्या? नहीं, नॉर्मल मूव है, पावर स्लैम है ये। ओमनी मैन ने अभी तक एक भी थप्पड़ वाला फिनिशर ट्राई नहीं किया है। ओमनी मैन ने अगर फिनिशर थप्पड़ वाला नहीं चला ना तो ही गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज कोई चांस नहीं। ओमनी मैन के पास सुपर फिनिशर आ चुका है भाई, सुपर फिनिशर आ चुका है ओमनी मैन के पास। अगर ये लग गया ना रोमन को तो भाई बहुत गड़बड़ होने वाली है, सही बता रहा हूँ, लिटरली कहानी खत्म है फाइट की। लेकिन जिस हिसाब से ओमनी मैन पेल रहा है ना सबको, तुम देखो पूरी टीम को स्टंट कर रखा, और इधर ये फिनिशर लगा दिया इसने बाहर। पहला फिनिशर ओमनी मैन की तरफ से आ ही गया। ठीक है भाई, बैट बनी यार मत मार, तू मत मार भाई, अंदर भेज दे रोमन को। ओमनी मैन रोमन अंदर आ चुका, अंदर ध्यान दो भाई, अंदर ध्यान दो, बाकियों को मारना बंद करो। बेचारे बिना पिटे ही हेल्थ चली गई है इन लोगों की, मतलब बिना रिंग में आई हेल्थ चली गई। एजे स्टाइल्स को देख लो, मिस की आधी चली गई, एजे की पूरी चली गई, और ये दूसरा फिनिशर बच गया। रोमन के पास भी एक फिनिशर आ चुका, ओमनी मैन के पास दो फिनिशर है। वो आई थिंक सिग्नेचर था ओमनी मैन का सुपरमैन पंच। बैट बनी बैट, अगर इन लोगों का फिनिशर अगर रोमन को लगता है ना इन दोनों में से एक का, तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि रोमन के जाते ही टीम जो है ना वो 50% चांस उसके जीतने के कम हो जाएंगे। बाकी जब तक रोमन है तब तक तो टीम में दम है ही है भाई, बस बैट बनी का फिनिशर विनिशर रोमन ना खाए। ये बैट बनी भाई सही खेल रहा है ये। ओ भाई क्या कर रहा है, अबे क्या कर रहा है यार तू, रोमन की बॉडी येल्लो, हेड येल्लो, रोमन टैग दे दो भाई। बैट बनी कुछ ज्यादा ही खतरनाक मूव नहीं लगा रहा।
नॉर्मल मूव, नॉर्मल। बैट बॉल ने अब तक फिनिशर के लिए ट्राई नहीं किया। वेड बैरेट भाई, वेड बैरेट, अगर मैं वही दोनों के लिए ही एक ही बात कहूँगा कि बस रोमन इनका फिनिशर ना खाए, रोमन टैंक दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या कर रहा है ये फिनिशर लगा दिया इसने रोमन को, फिनिशर भाई गड़बड़ हो जाएगी। रोमन ऐसा मत करो प्लीज, सबका दिल टूट जाएगा। बॉडी येलो हेड ऑरेंज हो चुका, रोमन टैग दे दो। इनने दोनों को स्टंट कर दिया भाई, टैग किसको देगा। ये फुल ऑन डोमिनेट कर रही है भाई टीम, फुल ऑन डोमिनेट हो रही है टीम यहाँ पे, देख रहे हो तुम इतना ज्यादा डोमिनेशन। बाहर गिली टीम चिपकी, किसको चिपकी, वेट बैरेट को। ठीक है रोमन अकेले नहीं जिता पाओगे भाई, टैग दे दो। अब तो रोमन भाई मूव को रिवर्स वगैरह कर रहा है और अच्छे मूव लगा रहा है। रोमन देखो टैग दे दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अकेले दम पे जिताना पॉसिबल नहीं। एजी और द मिज भी है, ये दोनों भी, एजी अच्छा सुपरस्टार है, मिज भी ठीक है, तो इन दोनों के रोमन, इन दोनों का देखो हेल्प लेनी ही पड़ेगी। बाहर फिनिशर विनिशर बना लो, ठीक है दो फिनिशर है रोमन के पास, अब तक एक ही स्पीयर आई है भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अब तक मतलब दो तीन स्पीयर आ जाती है, पर बताया क्या रोमन को अभी तक मौका भी नहीं मिला है इससे ज़्यादा स्पीयर लगाने का। एक स्पीयर रिवर्स हुई थी, उसके बाद कोई फिनिशर लगाने का मौका नहीं मिला रोमन को। टैग, रोमन टैग दे तो यार, ईगो पे नहीं लेना भाई। मेल ईगो है ना, वो बहुत गंदी चीज़ है, बहुत कुत्ती चीज़ है मेल ईगो, तो इसलिए भाई मेल ईगो पे मत लो और टैग दे दो रोमन। वेट बैरेट स्पीयर आने वाली है क्या। हाँ रोमन डबल टीम अटैक कर लो रोमन, नहीं करो, नहीं करो ऐसा, ऐसा मत करो, टैग दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। पिन नहीं हो पाएगा, पिन नहीं हो पाएगा, कोई चांस नहीं है। बैट बनी वैसे भी बचाने आ सकता था, और अभी भी ओमनी माइनस रोमन टैक्स शाबाश बहुत। अरे मेज यार, आते ही आते मिस को फिनिशर लग गया भाई स्पीयर। यार मिस की किस्मत मुझे लग रहा कुछ खराब है, जैसे मिस आया ओमनीमैन को टैग मिल गया, यही गड़बड़ है भाई। ओमनीमैन एक और फिनिशर के लिए जाएगा क्या भाई 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 भाई, भाई। मिस की तो दुनिया बिगड़ गई, ये तो आते ही आते पिटने लगा। मिस गया भाई, दो फिनिशर मिस गया, फिर से लीगल सुपरस्टार रोमन है। और ये क्या है, रोमन की सिग्नेचर गिलिटीन भी चला गया नीचे, रिवर्स कर दिया बैट बनी ने भाई। दोनों में के मार रहा है ये, अबे क्या कर रहा हो, एक जना भिड़ो ना, दोनों क्यों मार रहे हो। और इधर एजे पिट रहा, फुल ऑन ओमनीमैन की टीम डोमिनेट कर रही है फाइट को, फुल ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एजे है, एजे की बॉडी ऑलरेडी येल्लो हो चुकी है, जबकि एजे रिंग में नहीं आया, और रोमन तीनों को देख रहा भाई, नीचे घेर लिया इन लोगों ने रोमन को, पीछे ओमनी मैन, बैट बनी, वेट बैरेट। भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। रोमन अगर सुपर फिनिशर लगा दिया ओमनी मैन को और ओमनी मैन चला गया, तो फाइट जीतने के चांसेस रेशियो बहुत बढ़ जाएगा अपना। नीचे ये पीछे पड़ा हुआ भाई एजे के, ओमनी मैन क्या एजे को रिंग में आए बिना एलिमिनेट कर देगा। बॉडी ऑरेंज कर दी एजे की, एजे को एक बार भी टैग नहीं मिला, बेचारा रिंग में ही नहीं आया। रोमन अंदर चले जा, रोमन आठ काउंट हो गया, अंदर अंदर अंदर। हाँ रोमन सुपर फिनिशर अगर लगा पाओ तो मजा आ जाए, क्योंकि अगर ओमनी मैन चला जाए बस किसी तरीके से ओमनी मैन एलिमिनेट हो जाए, बाकी सब बातें सही। रोमन कॉर्नर में ले जाते, कॉर्नर 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 कॉर्नर, रोमन सुपर फिनिशर। अरे हराम खोर रिवर्स कर दिया ये ओमनी मैन, बहुत बड़ा वाला भाई, रिवर्सल दे दिया। अरे थी, अगर ये रिवर्स नहीं होता ना तो फाइट हाथ में आ गई होती, लेकिन कोई बात नहीं रोमन, कोई बात नहीं, अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। टैग नहीं हो, पिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओमनी मैन के पास अभी भी एक सिग्नेचर फिनिशर है और रोमन के पास दो फिनिशर है, सिग्नेचर जल्दी आने वाला। रोमन अब तो स्पीयर आनी चाहिए, चलो ठीक है ओमनी मैन की बॉडी लाल, रोमन पूरी कोशिश में लगा हुआ है, पूरी फाइट अब तक रोमन ने लड़ी है। अनबिलीवेबल, ओमनी मैन गया भाई, ये क्या था। अब बचे हैं बैट बनी और वेट बैरेट, बस ये है कि रोमन बचा रहे तो फाइट अपने हाथ में है।
क्योंकि ये दोनों कम फिट हैं तो चांसेस है कि फाइट निकाल सकते हैं। एजे भी फिट चुका है, रोमन की तो बॉडी लाल है। एजे को बाहर ही बहुत मार लिया ओमनी मैन, क्योंकि ओमनी मैन भी जानता था ना कि मेरे बाद भाई फाइट में दम नहीं रहेगा, बस अब एजे को काम करना, अपना बैट बनी है, वेट बैट में से एक को एलिमिनेट करना है। ये फिनिशर विनिशर है क्या? नहीं, ये नॉर्मल हुआ। बैट बनी ने अब तक एक भी बार फिनिशर के लिए ट्राई नहीं किया। ये तो नॉर्मल मूव बड़े तगड़े तगड़े लगा रहा है बैट बनी, क्या कर रहा है? एजे का ही रोल है अब तो मेन फाइट में। तुम देखो एजे अगर फिनिशर लगाता रहता, एजे ये कौन क्या है, नॉर्मली मूव होगा। आई थिंक ये फिनिशर सिग्नेचर है क्या? ये फिनिशर था एजे का, बढ़िया भाई। बैट बनी बॉडी लाल हो गई, हेड और हाथ पीले हो चुके हैं। बैट बनी हाथ पीले, आप बैट बनी की विदाई का टाइम आ गया। एजे एक फिनिशर और बैट बनी गया। ये टैग देने क्यों चला गया वेट बैरेट? वेट बैरेट ने केवल एक फिनिशर लगाया ओमनी मैन के अलावा, बाकी बैट बनी ने एक भी नहीं लगाया। ओके, एजे अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है एजे। एजे बस खुद को बचाए रखना है और एलिमिनेट कर देना है दोनों को तभी, क्योंकि रोमन का मुझे थोड़ा सा भरोसा नहीं है क्योंकि बॉडी ऑलरेडी लाल हो चुकी है। लाल बॉडी में ये है कि फिनिशर एक लगे या दो लगे कोई भरोसा नहीं रहता। ये फिनिशर लगा, एजे की भी बॉडी लाल हो गई। मैच क्लोज जा रहा है यार, इतना क्लोज जाने की मुझे उम्मीद नहीं थी ओमनी मैन के बाद, लेकिन वेट बैरेट जो है ना वो अच्छा खेल रहा है। बैट बनी इतना अच्छा नहीं खेल रहा है फिलहाल, वेट बैरेट ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। वेट बैरेट क्या कर रहा है? भाई बहुत लंबा चौड़ा है, अरे मर जाएगा। अरे 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 दादा रे, बहुत कम टाइम बचा था, मतलब होने ही वाला था। थर्ड काउंट की रोमन ने आके बचा लिया। एजे एक फिनिशर और वेट बैरेट को, उसके बाद शायद से रोमन फाइट निकाल पाए। नहीं, नॉर्मल वो डबल टीम अटैक कर सकते हो, लेकिन एजे नहीं, डबल टीम अटैक नहीं किया। वेट बैरेट ही है भाई जो बचा, क्योंकि बैट बनी फिनिशर लगा नहीं रहा और बॉडी उसकी लाल, वेट बैरेट की भी बॉडी लाल, उसकी रोमन को टेम्पर, रोमन का एलिमिनेशन ना हो, बाकी सब बातें ठीक है। और भाई ये पार वेट बैरेट गया, एक ही स्पीयर में टाइटा फिश। अब बचा बैट बनी, रोमन के पास कोई फिनिशर नहीं है, बैट बनी के पास दो फिनिशर है। और रेफरी को पड़ी भाई, बहुत तेज पड़ी है रेफरी को, रोमन को पड़नी चाहिए, रेफरी को पड़ी है। तो भाई रेफरी की जॉब भी बहुत मुश्किल है यार, मतलब रेफरी की जॉब भी ना इजी नहीं है, बहुत डेंजरस है भाई, बहुत तगड़ी ड्रॉप किक पड़ी है रेफरी। बैट बनी क्या कर रहा है, फिनिशर लगा रहा है क्या? ये फिनिशर आई थिंक बैट बनी का, रोमन शे, अरे भाई रोमन गया, ओ भाई रोमन गया, ये तो बहुत गलत हो गया फाइट में। एजे फिनिशर लगाना है पहले, जिसका फिनिशर, अरे बैट बनी ने एक और फिनिशर ले गया फाइट ये, अरे हराम खोर बैट बनी ले गया फाइट निकाल के, पूरी फाइट में एक फिनिशर नहीं लगा, लास्ट में आके एक रोमन को लगाया तो एलिमिनेशन, एजे को लगाया तो एलिमिनेशन। भाई 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 भाई, पर यार रोमन ओपी लिखना पड़ेगा कमेंट में, कितना तगड़ा खेला है रोमन, अकेले दम पे इतनी पूरी फाइट ले आया एंड तक। तो फाइट में मजा आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।